welcome to a vlog after the longest time, and this is a very impromptu, very spontaneous vlog because I am going to cut my hair after 2 years. And ये decision मैंने कब लिया मालूम है? Literally 10 minutes पहले. I felt कि मेरे बाल नीचे से बहुत रूखे सूखे हो गए. The mom मेरे से थोड़ी गुस्से में है क्योंकि मैंने dinner plan को पूरा change कर दिया है haircut के लिए. But I am very excited क्योंकि 2 साल बाद haircut करा रहे हैं यार. Like I'll show you the scene of my hair. तो ये है मेरे बालों की length. They come here, यहाँ तक आते हैं. Navel से थोड़ा ऊपर तक आते हैं अभी, एंड नीचे से एज यू कैन सी एकदम ऐसे नॉट्स वगैरह रहती है. सो नाउ वी आर ऑफ टू द हेयर ड्रेसर, एंड इफ यू बीन फॉलोइंग अस फॉर अ व्हाइल यू नो कि दिस इज नॉट गोना बी एनी नॉर्मल हेयर कट, दिस इज गोइंग टू बी अ फायर हेयर कट. मॉम इज अकंपनिंग मी. दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू गो फॉर. I have been to the same hairdresser, but I have never looked at it from the value of money point of view. But today we will review every single thing. Yes. मैंने आउट कर दिया, पर लेंथ बहुत छोटा था. जो डेड चीन है नीचे थी, इच काफी ना की. आधा सूटी डेड थे क्या? ना आधा सूटी का डेड था पीस. वो मेहनत ही वाला था यार चीन. Now this is me fighting with my mom to let me keep my hair long. पहले पेडल ब्रश को तो दोनों नॉट्स भी काट कर दूँ. मर्डिट है. 26. 26. 26 जून. जून 19. सारा लंदन जी छे ना. भाई जैसे 2021. लाभ भाई. ड्रोन वर्ष में. ड्रोन नहीं. बे वर्ष में. ना. So along with my free Bhavishyavani session, the knots in my hair were taken out, and इतने patiently सारे knots निकाले कि एक भी बार मेरे बाल खींचे नहीं. In fact, I couldn't even identify that my knots were being taken out. Very 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 great service in that part. Patiently चलेगा. अनलाइक मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो हमने सुना है, इन्होंने मुझे एडवांस में ही पूछा था कि मैं इतना काटूँ तो चलेगा कि नहीं, अपने मर्जी से नहीं किया था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, वो जो बताया वही ना, आगे से तेरे को शॉर्ट चाहिए लॉन्ग चाहिए. एंड नाउ द कैंडल्स आर बीइंग लिट फॉर द वेरी फर्स्ट बर्न इन 2 years. Yeah, this is it. This is the whole massive fire. अभी देख के इतना भयानक लग रहा है, but in real life कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है. It's just a very very smooth process. मैं तो आराम से फ़ोन पर टाइम पास कर रही थी. आज तक इतने सालों में मेरे ऊपर कभी भी एक भी आग का टुकड़ा नहीं गिरा, वैक्स का ड्रॉप नहीं गिरा, मैं कभी भी जली नहीं इसमें, इसलिए मुझे एकदम कंफर्टेबल फील होता है. At every step he was explaining me कि वो अभी क्या कर रहे हैं. So the first step is to get rid of the massive chunk in the bottom, and उसके बाद वो धीरे धीरे shaping शुरू करते हैं. In the very very end he makes sure कि दोनों साइड से बाल का level correct है, and एक एक section उठा के वो check करते हैं कि एक भी random बाल रह ना गया हो. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. Looking at your castle, I'm pretty sure you're safe, but still afraid. This time मैं गलती से मेरे lenses भी पहन के आ गई थी, and मेरे पास case नहीं था. When you're wearing your lenses, आग के पास नहीं जा सकते. फिर भी उन्होंने इतना ध्यान रखा कि मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई. बार बार मुझे याद दिलाते रहे कि आप अपने आँख बंद कर लो. He took extreme amount of care.
And along with every haircut since years, he's been giving me a free setting. I think वो सबको ही देते हैं if I'm not wrong. But वो बाल इतने अच्छे से सेट करके देते हैं कि for at least 3 to 4 days मेरे बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं. So overall मेरा experience तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. The cost was ₹3,500 for this particular haircut. पहले मुझे लगता था कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, बट वाइल मेकिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि इसमें कितना ज़्यादा काम लगता है. उनके खुद के हाथ काफ़ी जल जाते हैं, उनको एक स्पेशल मेटल वाला कोम लाना पड़ता है सिर्फ इसके लिए. उनको एक अलग जगह खाली करनी पड़ती है जहाँ वो क्लासेस लेते हैं, एंड वहाँ पर पूरी स्मोक की स्मेल बैठ जाती है और ज़मीन पर वैक्स गिर जाता है जिसको बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में. प्लस ये हेयर कट को हमको 1.5 घंटा एटलीस्ट लगता ही है. हाइजीन टॉप क्लास था. The final result was amazing. So this experience gets a full 5 out of 5 stars. And this was not a sponsored video. I actually did pay in full for the haircut. So मैंने haircut भी free में नहीं लिया. कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. हाँ, main आपको ये cutting के अंदर ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे ही देख के आप घर पे कैंडल से कटिंग नहीं करना. प्लास्टिक की थैली रहती है और उसको थोड़ी सी भी आग लगने से बहुत आग जल जाती है. ऐसे ही ये हेयर जो है इसमें इलास्टिसिटी रहती है और आग से बहुत जल्दी बालों में आग लग जाती है. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन गुड बाय.